अगर आपके पास ई स्कूटर है देन वॉच दिस। आपको ये तो पता ही होगा कि ई स्कूटर खरीदने पे गवर्नमेंट की फेम स्कीम के अंदर सब्सिडीज मिलती है, और ये सब्सिडी मिलने का एक इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि व्हीकल की वैल्यू 150,000 से कम हो। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स ने ई स्कूटर के प्राइस 150,000 से कम रखे और साथ में अलग से चार्जर बेचा। इससे कलेक्टिवली बिल तो ज्यादा बन रहा है बट द व्हीकल वुड स्टिल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट को ये पता चल गया एंड दे डिड नॉट लाइक इट एंड दे स्टॉप्ड इशूइंग सब्सिडीज एस्टिमेटेड अराउंड 2,800 करोड़ आफ्टर फाइंडिंग अबाउट दिस लूपहोल। नाउ इन रिस्पांस टू दिस मैन्युफैक्चरर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो चार्जर है अब ईवी के साथ बंडल करके ही बेचेंगे। इसके रिगार्डिंग एथर ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि देयर इज नो लीगल कंप्लायंस टू डू सो, बट वो फिर भी ये करेंगे फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ईवी इकोसिस्टम। एंड टू बी फेयर टू द कस्टमर्स जिन्हें ऑलरेडी ये चार्जर्स खरीद लिए है, उसके लिए ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और टीवीएस मोटर्स ने अनाउंस किया है कि उनको वो चार्जर का कॉस्ट रिफंड करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ दिस रिफंड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 300 करोड़। सो बी ऑन द लुकआउट।